नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल प्लस टॉप अपडेट्स में। टॉप अपडेट्स के स्पॉन्सर्स है क्रिश्चियन नर्सिंग इंस्टीट्यूट ढालपुर कुल्लू, सत्यमोहन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहर, प्रेसिडेंट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन वर्षा ठाकुर, शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, वन परिवहन युवा सेवा एवं खेल मंत्री गोविंद ठाकुर से मिले, जिसमें उन्होंने अपनी अनेक मांगों को उनके सामने रखा। उन्होंने मांग की है कि निजी स्कूलों की एफिलिएशन को 5 वर्ष तक स्थायी कर दिया जाए। उनका कहना है कि सभी निजी स्कूल गुणवत्ता से पढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अनेक अन्य मांगों को भी शिक्षा मंत्री के सामने रखा। इस अवसर पर पूरन चंद ठाकुर, मोतीलाल शर्मा, गणेश भारद्वाज, निरंजन मौजूद रहे। राजकीय अर्ध राजकीय चालक परिचालक महासंघ की बैठक पीडब्ल्यूडी सर्किट हाउस में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता महासंघ के जिला अध्यक्ष तुलेराम ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि महासंघ के जिला के चुनाव 1 अप्रैल 2018 को पीडब्ल्यूडी के सर्कल ऑफिस के हॉल में होंगे। अध्यक्ष तुलेराम ने सभी चालक परिचालक से आग्रह किया है कि चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें। महासंघ के अध्यक्ष तुलेराम ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि महासंघ वन परिवहन युवा सेवा एवं खेल मंत्री गोविंद ठाकुर से मिला और उनके साथ अपनी मांगों पर चर्चा की। वन परिवहन युवा सेवाएं व खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने रविवार को मणिकरण घाटी की ग्राम पंचायत बरादा में बरादा शांगचन सड़क पर HRTC की बस सेवा का उद्घाटन किया। इसके बाद शांगचन में जनसभा को संबोधित करते हुए गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। प्रदेश सरकार क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान कर रही है। गोविंद सिंह ने बताया कि शांगचन सड़क पर 1,33,00,000 रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस सड़क को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के द्वितीय चरण में शामिल करने के लिए 4,90,00,000 रुपए की DPR बनाई गई है। वन मंत्री ने क्षेत्रवासियों से इस सड़क के लिए जमीन की गिफ्ट डीड तुरंत देने की अपील की, ताकि इसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में शामिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार हिमाचल के चहुंमुखी विकास के लिए कृत संकल्प है और प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। इस मौके पर पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने भी जनसभा को संबोधित किया तथा क्षेत्र में करवाए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों का ब्यौरा दिया। ये बस की मांग बहुत पुरानी थी और इससे पहले चुनावों से पहले कांग्रेस की सरकार ने बड़ा तमाशा यहाँ पर किया था। जो लोग कर नहीं सकते तो उन लोगों ने यहाँ पर आकर के बस को चला दिया था, लेकिन जो सुनने में आता है कि वो तो JCB से खींच करके लाई थी और अभी हमने एक ठीक प्रकार से परमिट इत्यादि सारी सुविधा प्रदान करके आज इस बस को यहाँ प्रारंभ किया है। अब जिससे यहाँ पर इस पूरी पंचायत के लोगों को सुविधा मिलेगी। मैं सबसे पहले तो मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि एक सप्ताह में ये दूसरा दौरा बना और दूसरा यहाँ के सब लोगों का जिन्होंने इतना सहयोग दिया कि जिनके खेतों में पेड़ थे जो बाधा उत्पन्न कर रहे थे वो इन्होंने खुद काटे और जहाँ पटाजी में ज़्यादा दिक्कत थी वहाँ के लोगों ने मिलकर के अपनी भूमि दान दे दी और आज ये संभव हो पाया के यहाँ पर बदीबक्स रूप से रूट परमिट वाली बस पहुँची है। और जैसा मंत्री जी ने कहा, अगर यहाँ के लोग सहयोग देंगे, गिफ्ट डीड देंगे, तो वो दिन भी दूर नहीं जबकि पक्की सड़क यहाँ आएगी। जहाँ तक पूंथल का सवाल है, पूंथल का काम अब ठेकेदार करेगा और एक 8-10 दिन की बात कह रहा है कि बड़ी L&T लाएगा, काम करेगा। पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज खुशी के दिन पर इतना ही कहूँगा कि जो कुछ किसी ने किया भगवान आइंदा उनको सद्बुद्धि दे। कोई ड्रामे नहीं करने चाहिए, भोली भाली जनता है यहाँ की। अभी तक ये ग्रामीण क्षेत्र है, सच्ची देवी देवताओं के मानने वाले लोग हैं, इनको गुमराह नहीं करना चाहिए। सेवा करनी है तो पक्की सेवा करनी चाहिए, क्षणिक नहीं। जैसा मैंने कहा, मुझे तो इस मिट्टी से प्रेम है, हारूंगा तब भी इनका आदमी हूँ, जीतूंगा तब भी इनका आदमी हूँ, क्योंकि जहाँ पूर्वजों ने हमारे राज किया, राज करती दफा कई कुछ गलत भी हुआ होगा, मैं तो उसके पश्चाताप के लिए सेवा करता हूँ कि ताकि मेरे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले। मुझे लोभ लालच नहीं है, मैं जीत कर भी उतना ही हूँ, हार कर भी। और सुखी खुशी इस बात की है, सरकार अपनी है,
और अच्छी सरकार अपनी है, इसलिए काम लेने में सफल हो। देश में तिरंगे का सम्मान किया जाता है, पर हमीरपुर में 131 फीट बने ऊंचे तिरंगे पर पिछले एक महीने से झंडा नहीं है और इसका तार भी टूट चुका है, जिसके कारण यह तिरंगा नहीं लहराया है पिछले कई दिनों से। और पहले तीन या चार तिरंगे कलर फेड या तेज हवा के कारण फट चुके हैं। इस बारे में उपायुक्त राजेश प्रजापति ने कहा कि झंडे की तार टूट चुकी है, जिसके कारण अब तक इसको नहीं लगाया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी बात उस कंपनी से हो चुकी है जिसने इसको पहले लगाया था और वो जल्द ही इसे ठीक कर देगी। वायर थी जिसके माध्यम से झंडे को लगाया जाता था और ये वायर टूट चुका है और ये जो पोस्ट लगाई गई थी गाजियाबाद की कंपनी के द्वारा, तो उनके संपर्क में है हम लोग और जल्द ही इसका रिपोर्ट। तीन झंडे हमारे पास स्पेयर में है। अभी प्रॉब्लम ये है कि जो तार थी वो तार टूटी हुई है, जिसके माध्यम से लगाया जाता है, तार को पहले ठीक करना पड़ेगा। उसके उपरांत हमें झंडे लगाने की कोई समस्या नहीं, क्योंकि हमारे पास पेंसिल है। अगर ऐसी स्थिति होगी तो हमें और झंडे की जरूरत होगी।